हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ईशान भाटिया और आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ आपके साथ टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में। मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जो भी मैं इसमें नोट्स यूज करने वाला हूँ, मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लान, ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि प्लान क्या होता है। तो प्लान इसमें हमारा ये रहेगा कि सबसे पहले मैं आपको बुक से रीड करवाऊंगा, फिर मैं अपने तरीके से आपको इसको याद करवाऊंगा। प्लान इज अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। इट इज अ स्पेसिफिक एक्शन प्रपोज टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। देयर मे बी मोर देन वन वे एंड मीन्स ऑफ रीचिंग अ पर्टिकुलर गोल, बट विद द हेल्प ऑफ लॉजिकल प्लान्स ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कुड बी ईजिली अचीव्ड। तो इसको हम काफ़ी ईजिली याद भी कर सकते हैं। तो आपको एक ही चीज़ याद करनी है, जब भी प्लान की बात आती है ना यार, प्लान, तो एक ही चीज़ आपको याद आनी चाहिए, डॉक्यूमेंट। मतलब आप प्लान जो है लिख के करोगे ना, कोई भी आप प्लान बनाते हो ऐसे ही दिमाग में बना सकते हो, बट ज़्यादा बढ़िया क्या रहता है कि उसको लिख के बना लिया जाए। तो लिखने के लिए कोई डॉक्यूमेंट तो चाहिए ना आपको। तो एक चीज़ आप याद रखेंगे कि डॉक्यूमेंट, बोलो मेरे साथ डॉक्यूमेंट। तो जब भी प्लान की बात आए ना, तो आप कहना डॉक्यूमेंट, बात खत्म, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या करेगा, डॉक्यूमेंट आपको हेल्प करेगा गोल अचीव करने के लिए। उसको आप कह सकते हो आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट, आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या करता है, आउटलाइन करता है हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। डॉक्यूमेंट बताता है कि गोल को कैसे अचीव किया जाएगा। नेक्स्ट है, आपको नेक्स्ट जो याद करना है वो करना है स्पेसिफिक एक्शन। जब भी प्लान आएगा तो आप पहला वर्ड क्या बोलोगे, आपके मुंह से सुबह उठते ही पहला वर्ड क्या निकलना चाहिए, अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज प्लान, आप क्या होगे, डॉक्यूमेंट। तो नेक्स्ट वर्ड क्या निकलना चाहिए आपके मुंह से, आप क्या होगे, स्पेसिफिक एक्शन। क्या क्या होगे, दोबारा बोलना, स्पेसिफिक एक्शन, स्पेसिफिक एक्शन जो कि प्रपोज किया जाता है, स्पेसिफिक एक्शन जो कि प्रपोज किया जाता है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक एक्शन जो कि प्रपोज किया जाता है सो दैट ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो दोबारा से हम रिपीट करते हैं इसको कि प्लान, जब भी मैं आपसे पूछूंगा प्लान क्या, आप क्या करोगे, सर डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या सर, डॉक्यूमेंट जो हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन ताकि अपना ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सके। तो आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट, आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। नेक्स्ट जो चीज़ है वो हमने याद करी थी स्पेसिफिक एक्शन, क्या याद करी थी, स्पेसिफिक एक्शन, एक्शन कौन सा, स्पेसिफिक एक्शन, स्पेसिफिक एक्शन जो कि प्रपोज किया जाएगा सो दैट ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक एक्शन जो कि प्रपोज किया जाएगा सो दैट ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम चीज याद करते हैं, सबसे पहली चीज़ क्या थी, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट क्या करता है, आउटलाइन करता है, आउटलाइन। जैसे ये डॉक्यूमेंट है, ये डॉक्यूमेंट है, मान लो ये डॉक्यूमेंट बना रखा है तो इसमें लाइंस दिख रही हैं आपको, तो ये आउटलाइन, 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 ठीक है, एक लाइन आउट हो गई ऐसे, आपको बाहर आ गई। तो आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट, आउटलाइंस हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट, आउटलाइंस। डॉक्यूमेंट क्या करता है, आउटलाइन करता है हाउ गोल्स आर गोइंग टू बी मेट। नेक्स्ट क्या हमने याद करता है, स्पेसिफिक एक्शन, दूसरा की जो मैंने वर्ड दिया आपको वह स्पेसिफिक एक्शन, स्पेसिफिक एक्शन जो कि प्रपोज किया जाता है, जो कि प्रपोज किया जाता है, जो कि प्रपोज किया जाता है किस चीज़ के लिए, ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट जो आपका इसमें आता है, कौन कौन से तरीके के प्लान होते हैं, थोड़ा ब्लर हो गया है, ठीक हो गया। स्पेसिफिक एक होता है सिंगल यूज़ प्लान और एक होता है स्टैंडिंग प्लान। सबसे पहले मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ सिंगल यूज़ प्लान के बारे में। तो जब भी मैं आपसे सिंगल यूज़ प्लान बोलूँगा, आप बोलोगे वन टाइम यूज़ प्लान। तो क्या होता है, एक बार हम रीड कर लेते हैं फिर हम अपने तरीके से इसको याद करेंगे। सिंगल यूज़ प्लान आर वन टाइम यूज़ प्लान, दीज आर डिजाइन टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल दैट वंस अचीव्ड विल नॉट रीअकर इन फ्यूचर। दीज आर मेड टू मीट द नीड्स ऑफ यूनिक सिचुएशन। द ड्यूरेशन ऑफ सिंगल यूज़ प्लान डिपेंड अपॉन गोल फॉर विच इट इज़ मेड। इट मे लास्ट फॉर वन डे और इट मे लास्ट फॉर अ वीक और मंथ इफ द प्रोजेक्ट फॉर विच इज़ मेड इज़ लॉन्ग। तो इसके लिए भी मैंने ये नोट्स बनाए हैं, इसके लिए भी आप यहाँ पे इजीली इसको आप लर्न करा जा सकता है इसको भी। तो सिंगल यूज़ प्लान क्या होता है, वन टाइम यूज़ प्लान। जब भी मैं बोलूँ सिंगल यूज़ प्लान, सिंगल से समझ आ रहा है ना, वन टाइम यूज़ प्लान, सर थोड़ा समझा भी तो। सिंगल यूज़ प्लान अरे कुछ भी नहीं है, जैसे कि आप अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए प्लान बनाते हो तो वो एक दिन का हो सकता है ना, या दो दिन का हो सकता है, एक महीने का हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं, एक साल के लिए तो घूमने नहीं जाते ना, एक या दो दिन के लिए जा सकते हैं, पाँच दिन के लिए जा सकते हैं, एक वीक के लिए जा सकते हैं। तो सिंगल यूज़ प्लान जो एक बार के लिए बनाए होते हैं, तो इसको आप इसलिए बोलते हो वन टाइम, बस एक ही बार के लिए बनाए गए हैं, वन टाइम यूज़ प्लान। अच्छा, इनको डिज़ाइन क्यों किया गया, प्लान को डिज़ाइन क्यों करते हो आप, प्लान को डिज़ाइन ही इसलिए किया जाता है ताकि हम एक गोल अचीव कर सकें। प्लान क्यों डिज़ाइन किया जाता है, टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल, प्लान को डिज़ाइन ही इसलिए किया जाता है। अच्छा, जैसे ही वो अचीव हो जाएगा ना, वंस अचीव्ड विल नॉट रीअकर इन फ्यूचर, वंस अचीव्ड विल नॉट रीअकर इन फ्यूचर। एक बार अचीव हो गया दोबारा से नहीं ये करोगे, दोबारा जो भी होगा आप दोबारा घूमने जाएंगे तो दोबारा से नया प्लान बनाएंगे। तो हर बार एक ही जगह जाते हो घूमने, अलग अलग जगह भी जाते हो,
तो सिंपल चीज़ है, जब भी मैं बोलूँगा आपको सिंगल यूज़ प्लान तो आप बोलोगे वन टाइम यूज़ प्लान, एक ही बार बनाया जाता है जो। और किस लिए डिज़ाइन किया जाता है, डिज़ाइन किया जाता है अरे प्लान बनाने बनाते हैं इसलिए हम ताकि गोल को अचीव कर सकें, टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। एक बार जैसे ही वो अचीव हो जाए, विल नॉट रीअकर इन फ्यूचर, दोबारा नहीं होगा। अच्छा, इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? देखो वैसे तो इसकी ड्यूरेशन वन डे भी हो सकती है, वन वीक भी हो सकती है, वन मंथ भी हो सकती है। आप एक दिन के लिए भी जा सकते हो, एक महीने के लिए भी जा सकते हो, एक हफ्ते के लिए भी जा सकते हो, डिपेंड करता है आपके गोल पे, कंपनी का गोल क्या है वो डिपेंड करता है आपका। ठीक है जी, देखो यहाँ पर भी गोल आ गया, यहाँ पर भी गोल आ गया। तो ड्यूरेशन कितनी है, डिपेंड्स अपॉन द गोल, इट मे बी फॉर वन डे, वन वीक और अ वन मंथ। तो और इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हो बजट एंड प्रोग्राम। जैसे कि प्रोग्राम में आप आगे पढ़ेंगे कि प्रोग्राम में एक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, तो उसी बिल्डिंग के लिए वो प्लान बनाया गया। जैसे वो बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद वो प्लान का कोई यूज़ नहीं रहेगा। आई होप आपको वाली बात समझ आ गई होगी। तो जब भी मैं बोलूँगा आपको सिंगल यूज़ प्लान क्या होता है, आप बोलोगे वन टाइम यूज़ प्लान। क्या होता है? वन टाइम यूज़ प्लान। किस लिए डिज़ाइन किया जाता है? प्लान बनाई इसलिए जाते हैं टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल, एक बार अचीव हो जाए उसके बाद नॉट रीअकर इन फ्यूचर। और ड्यूरेशन कितनी होती है इसकी? डिपेंड करता है यार, डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलर गोल, कि उसका गोल क्या है कंपनी का। वन डे के लिए भी हो सकता है, वन वीक के लिए भी हो सकता है, और वन मंथ के लिए भी हो सकता है। और इसके साथ आप जो याद करोगे एग्जांपल वो क्या होगा, बजट एंड प्रोग्राम, बजट एंड प्रोग्राम, बजट एंड प्रोग्राम। आगे वाले टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्लान में, बजट एंड प्रोग्राम, उसके बाद आपको क्लैरिटी आएगी बजट एंड प्रोग्राम क्या होता है। अभी के लिए आप इतना याद कर लो इसको। ठीक है जी, नेक्स्ट जो आता है आपका आता है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान में आपको एक बार पढ़वा देता हूँ, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। तो स्टैंडिंग प्लान्स आर आल्सो नोन एज रिपीट यूज प्लान, दीज प्लान फोकस ऑन सिचुएशन। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये पूनम गांधी वाली बुक है, आपके पास कोई और भी हो सकती है, मैं नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा आपको, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। दीज प्लान्स फोकस ऑन सिचुएशंस विच अकर रिपीटेडली, स्टैंडिंग प्लान्स आर यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, दीज आर मेड वंस बट रिटेन देयर वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, ऑल्दो सम रिविजन्स एंड अपडेट्स आर मेड इन दीज प्लान्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। जी पढ़ के तो हो गया, अब इसको याद भी कर लेते हैं। तो स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं? स्टैंडिंग प्लान्स वो प्लान होते हैं जो कि हम बारी बारी बनाते हैं, रिपीट यूज प्लान। जैसे कि स्कूल में आपका एडमिशन प्रोसीजर है, स्कूल में आपका एडमिशन प्रोसीजर सबके लिए सेम ही होता है। किसी कोई भी स्टूडेंट आ जाए, जो वीआईपी का भी बच्चा आ जाए, तो उसके लिए भी सेम ही होता है एडमिशन प्रोसीजर। बट आप ये समझिए कि अगर कुछ उसमें हम चेंज कर दें, लाइक सबसे पहले बच्चा आता है तो रिसिप्ट भरता है, एडमिशन फॉर्म भरता है, ये मतलब पेमेंट करता है उसकी। आप एक चीज़ समझिए कि अगर अभी तक कैश में पेमेंट हो रही थी, है ना, हमने एक प्लान बना रखा था कि जो भी बच्चा आएगा वो कैश में पेमेंट करेगा, तो हम चेंज करना चाहते हैं उसको ऑनलाइन पेमेंट में, तो क्या हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं? हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको स्टैंडिंग प्लान में आपको समझ आनी चाहिए वो है, इसको हम बोलते हैं रिपीट यूज़ प्लान, जो कि बारी बारी, ऐसा प्लान जो बारी बारी यूज़ होता है। एडमिशन का प्रोसीजर एक बार बना दिया ना, तो दोबारा दोबारा यूज़ होता है वो, जितने बार भी स्टूडेंट आएगा दोबारा से वही सेम चीज़ यूज़ करेंगे हम। तो इसको हम इसलिए बोलते हैं रिपीट, 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 बारी बारी रिपीट करना एक ही चीज़ को। यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, बारी बारी यूज़ करते हैं ना, वही तो बात कर रहा है, ऊपर नीचे एक ही बात कर रहा है। स्टैंडिंग प्लान को आप रिपीट यूज़ प्लान भी बोल सकते हो, पेपर में ये भी आ सकता है व्हाट आर, व्हाट इज रिपीट यूज़ प्लान, या फिर सिंगल टाइम प्लान, सिंगल यूज़ प्लान के लिए बोल सकता है, वन टाइम यूज़ प्लान क्या होता है। ठीक है, तो आप कन्फ्यूज मत होइए, एक ही बात है। तो स्टैंडिंग प्लान को हम क्या बोलते हैं? रिपीट यूज़ प्लान। स्टैंडिंग प्लान्स को हम क्या बोलते हैं? रिपीट, जो बारी बारी यूज़ होते हैं, रिपीट, रिपीट यूज़ प्लान्स। सर आप मुझे कहते हो ना रिपीट कर दो एक बार दोबारा से, तो बस वही है रिपीट, ओवर एंड ओवर अगेन, दैट आर यूज ओवर एंड ओवर। कैसे यूज़ करते हैं उसको? ओवर एंड ओवर अगेन। तो दो चीज़ें आपको याद होगी होंगी, रिपीट यूज प्लान्स एंड यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। मेड वंस रिटेन इट्स वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, एक ही बार बनाते हैं हम इसको, बनाते एक बार हैं। ऊपर वाला भी जो था वो भी एक ही बार बनाया था, लेकिन वो एक ही चीज़ एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए था, बट ये एक बार बनाते हैं और ये काफ़ी सारे सालों तक के लिए होता है एप्लीकेबल। अच्छा सर, हाँ एक बार बनाते हैं और काफ़ी सारे साल के लिए होता है। मेड वंस, इसकी वैल्यू जो है वो बहुत सारे साल के लिए होती है, ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। मेड वंस रिटेन इट्स वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। तो सबसे पहली चीज़ क्या थी? रिपीट यूज प्लान्स। इसको और क्या बोलते हैं हम? रिपीट यूज प्लान्स। इट इज़ यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन, बारी बारी यूज किया जाता है, यूज से याद आएगा आपको, यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। मेड वंस रिटेन इट्स वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, काफ़ी सारे साल तक इसकी वैल्यू रहती है। अच्छा, इसको अपडेट करना हो तो कर सकते हो। अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको कि स्कूल में कैश पेमेंट होती है, तो हमने उसको चेंज करना है, ऑनलाइन पेमेंट कर दिया, क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं? हाँ, अगर चेंज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अपडेट। तो अपडेटेड, टाइम टू टाइम इसको अपडेट भी किया जा सकता है, तो लोग करते भी हैं कंपनी वाले टाइम टू टाइम अपडेट। तो आपको आई होप ये याद हो गया होगा। इसके लिए एग्जांपल क्या है? पॉलिसी प्रोसीजर रूल एक्सेट्रा, PPR। क्या बोलोगे? PPR, पॉलिसी प्रोसीजर रूल्स एक्सेट्रा। तो ये अभी आगे आने वाले टाइप्स ऑफ, उसमें मैं आपको कराऊंगा टाइप्स ऑफ प्लान में, बट अभी आपके लिए इतना काफ़ी है कि क्या होता है, सिर्फ लालन कर लो, पॉलिसी प्रोसीजर रूल्स सिर्फ इतना याद कर लो। ठीक है जी, तो हम पढ़ते हैं अब आगे टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में, टाइप्स ऑफ प्लान के बारे में। अच्छा सर, मैंने आपको ये क्यों पढ़ाया सबसे पहले? सर ये सिंगल यूज़ प्लान, स्टैंडिंग प्लान, क्योंकि जब भी हम ये अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ना, ये पॉलिसी प्रोसीजर, इसमें सारा ये बताएंगे। देखो ना यहाँ पर लिखा है ये स्टैंडिंग प्लान होता है, ये स्टैंडिंग प्लान होता है, और यहाँ पर भी लिखा है। तो सबसे पहला जो हम
मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ वो है बजट के बारे में। तो आओ स्टार्ट करते हैं बजट। तो बजट को क्या बोलता है, सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान अभी पढ़ा ना आपने, सिंगल यूज प्लान क्या होता है। हाँ बस इसलिए पढ़ाया गया था आपको कि बजट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको रीड करवा देता हूँ, फिर हम डिस्कस भी कर लेंगे। तो बजट्स इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। इन बजट्स द रिजल्ट्स आर ऑलवेज मेजरेबल एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर फाइनेंशियल इन नेचर, बट इट डज नॉट मीन द कंपनी प्रिपेयर्स ओनली फाइनेंशियल बजट। अलोंग विद फाइनेंशियल बजट, कैपिटल बजट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट द एक्सपेक्टेड कैपिटल रिक्वायरमेंट। ऑपरेशनल बजट इज प्रिपेयर्ड वेयर इंस्टेड ऑफ फाइनेंस हावरली यूनिट्स आर यूज स्टेटिंग एक्सपेक्टेड हावर्स ऑफ एम्प्लॉइज विल बी वर्किंग। बजट्स आर प्रिपेयर्ड बाई मैनेजर्स एट एवरी लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स जनरली प्रिपेयर ऑपरेशनल बजट्स। द मोस्ट कॉमन बजट प्रिपेयर बाई मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल्स इज कैश बजट। दिस बजट एस्टिमेट द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो एंड कैश इनफ्लो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कैश इनफ्लो कम्स फ्रॉम सेल्स एंड कैश आउटफ्लो इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंसिस। बिजनेस कैन फाइंड आउट नेट कैश पोजिशन ऑफ बाई सब्ट्रैक्टिंग कैश इनफ्लो फ्रॉम कैश आउटफ्लो बाय फ्रॉम कैश इनफ्लो। चलो जी पढ़ के तो हमारा हो गया, अब इसको याद भी कर लेते हैं। तो इसको भी याद करने का छोटा सा मैंने बना रखा है, इसको इजीली आपको यहाँ से आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ है इसमें आपको क्या याद रखना है, जब भी आती है बात बजट की, जैसे हम गवर्नमेंट बजट निकालती है ना, रेलवे बजट निकाला हमने 5,000 करोड़ का, तो बस वही है बजट और कोई नई चीज़ थोड़ी ना बात हम करने वाले हैं यहाँ पर। बट हाँ इसको याद करना जरूरी है। क्या सब याद करना जरूरी है? नहीं यार, इतना सारा याद नहीं कर सकते, आपको पेपर में लिख के भी आना है ना, या आप समझ सकते हो इसको लेकिन पेपर में लिख के लिखना है तो कुछ याद करना पड़ेगा ना, रिटर्न पेपर है आपका। तो इसको याद करने के लिए हम ये जो मेन है ना की पॉइंट्स, आप इसको जरूर लिख के आएंगे, बिजनेस स्टडीज़ का पेपर है आपको, उसमें आपको की पॉइंट जरूर डालने होते हैं। आपको सब याद नहीं हो पाएगा इसमें, आप मेन मेन जो पॉइंट्स इनके वो जरूर उठा लिया करें, उससे आप इर्द गिर्द उसके कहानी सारे घुमा सकते हैं। हालांकि ये जो मैंने लिखवाया है पूरा ही लिखवाया है आपको लगभग। आओ जी सबसे पहले हम बात करते हैं बजट्स की। तो बजट्स क्या होता है, आप बजट जब भी मैं बोलूंगा ना, बजट किसके लिए बनाए जाते हैं, देखो आप बजट फ्यूचर के लिए बना रहे हो ना, पहली चीज तो ये आपको ये चीज समझानी चाहिए, बजट जो बनते हैं वो फ्यूचर के लिए बनते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट, सबसे पहली चीज आपको क्या जाननी थी, स्टेटमेंट। तो बजट से सबसे पहले आपको क्या जानना चाहिए, स्टेटमेंट किस चीज़ की स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट, जो भी हम एक्सपेक्टेशन है हमारी उसकी स्टेटमेंट है ये। बजट को आप क्या बोलते हो, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आपके कितने नंबर आ सकते हो, आप कहते हो कि सर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे ना 90% आ सकते हैं, तो ये एक्सपेक्टेशंस है ना आपकी। तो बजट में भी हम यही बोलते हैं कि हमारा बजट है कि हमारा इतने 1,000 करोड़ रुपए लग सकते हैं इस चीज़ को बनाने के लिए। रेलवे हम वो बनाने हैं, मुंबई से अहमदाबाद की हम रेलवे बना रहे हैं, तो हमें कितने 2,000 करोड़ रुपए लग सकते हैं बुलेट ट्रेन के। तो स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्सपेक्टेशंस है आपकी, तो आपको क्या जानना चाहिए, एक दूसरा वर्ड जो है एक्सपेक्टेड। तो स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट, अच्छा मैंने ये जो बोला 2000 ये नंबर है ना, तो इसको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में होता है, एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स। दूसरी चीज जो है इसका जो रिजल्ट है वो मेजरेबल होना चाहिए, रिजल्ट जो है इसका वो मेजरेबल होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट जो है आपका वो है बजट कितने तरीके के होते हैं, फाइनेंशियल बजट भी हो सकता है, ऑपरेशनल बजट भी हो सकता है, कैश बजट भी हो सकता है। बोलो कितने हैं, फाइनेंशियल बजट, दूसरा क्या था ऑपरेशनल बजट, और तीसरा क्या था कैश बजट। FB OB CB फेसबुक फाइनेंशियल बजट, OB अदर बैकवर्ड ऑपरेशनल बजट, CB कैश बैंक कैश बजट, ठीक है जी। फाइनेंशियल बजट ऑपरेशनल बजट कैश बजट, फाइनेंशियल बजट ऑपरेशनल बजट कैश बजट। तो द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड न्यूमेरिकली, दूसरा पॉइंट हमने क्या करा था, रिजल्ट कैसा होना चाहिए, मेजरेबल। और तीसरी चीज बजट कितने तरीके होते हैं, FB OB CB एक बार फिर FB OB CB। अच्छा तो सर ये ऑपरेशनल बजट जो है ये ना लोअर लेवल मैनेजर्स बनाते हैं, ऑपरेशन मतलब जहाँ काम होता है ना, तो लोअर लेवल मैनेजर्स बनाते हैं ऑपरेशनल बजट। कैश बजट में ना कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को कंपेरिजन किया जाता है, किसको कंपेरिजन किया जाता है, कैश इनफ्लो को और कैश आउटफ्लो को, ताकि नेट कैश जो आप कैश फ्लो बनाते थे वहाँ पर अकाउंट्स में, ये वैसा ही है, इनफ्लो और आउटफ्लो देखते हैं ताकि हमें नेट कैश अपनी पोजिशन पता लग सके। तो आपको आई होप यहाँ तक का समझ आ गया होगा। तो सबसे पहली चीज़ क्या थी, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एक्सप्रेस न्यूमेरिकली, दूसरी रिजल्ट कैसा होना चाहिए, मेजरेबल, तीसरा बजट कितने तरीके के होते हैं, FB OB और CB। अच्छा और क्या ये हर लेवल, ये मैनेजर्स एट एवरी लेवल, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मैनेजर्स एट एवरी लेवल, इसको आगे कर लेते हैं, मैनेजर्स एट एवरी लेवल, टॉप लेवल मिडल लेवल लोअर लेवल, टॉप लेवल मिडल लेवल, टॉप लेवल मिडल लेवल लोअर लेवल, ठीक है जी।
तो ऑपरेशनल बजट स्पेसिफिक है कि लोअर लेवल वाले बनाते हैं, बट ये जो है फाइनेंशियल बजट जो है आपको क्या लगता है कौन बनाता होगा? टॉप लेवल वाले बनाते होंगे, सिंपल सी चीज है। अच्छा, इसका एग्जांपल क्या? देखो एग्जांपल बहुत जरूरी है, एग्जांपल नहीं पेपर में, एग्जांपल तो लिख के आने, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपको समझ आता है ना, तो इससे आप पेपर में भी एग्जांपल देंगे तो टीचर को भी अच्छे से समझ आएगा। तो पहला एग्जांपल जो है इसका वो है सेल बजट। बजट का आप सिंपल है, बजट क्या? बजट सेल बजट, सिंपल बजट क्या? सेल बजट एग्जांपल है इसका। आई होप आपको ये याद हो गया होगा। आओ जी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं दूसरे टाइप का जो है सिंगल यूज प्लान। दो ही तरह के सिंगल यूज प्लान होते हैं, हमने स्टार्टिंग में बात भी करी थी। तो दूसरा जो है वो है आपका प्रोग्राम, ठीक है जी, ये भी सिंगल यूज प्लान है, सिंगल यूज के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो प्रोग्राम पहले हम पढ़ लेते हैं बुक से क्या है प्रोग्राम। तो प्रोग्राम आर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव पॉलिसी प्रोसीजर रूल्स ऑल दीज प्लान टूगेदर फॉर्म अ प्रोग्राम। दीज प्रोग्राम्स आर मेड टू गेट अ सिस्टमेटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। द प्रोग्राम्स क्रिएट रिलेशन बिटवीन पॉलिसी प्रोसीजर एंड गोल्स। द प्रोग्राम आर ऑल्सो प्रिपेयर डिफरेंट लेवल्स। द प्राइमरी प्रोग्राम इज प्रिपेयर बाय द टॉप लेवल एंड देन टू सपोर्ट द प्राइमरी प्रोग्राम सपोर्टिव प्रोग्राम ऑफ डिफरेंट लेवल्स आर प्रिपेयर फॉर स्मूथ फंक्शन ऑफ द कंपनी। अच्छा सर, आप ये फीचर्स क्यों नहीं करवा रहे हो आप? मैं आपको ये करवा दूंगा, पूरा अच्छे से करवा दूंगा। फीचर्स का मैंने देखा नहीं है, क्वेश्चन अभी तक कोई आया होगा, आप खुद से चाहो तो कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, आप इसका जो ऊपर वाला याद कर लोगे नहीं, फीचर्स आपको अपने आप याद हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाली लाइन्स ही नीचे लिखी हुई हैं, ठीक है जी। इसलिए मैं आपको फीचर नहीं करवा रहा हूँ, आपको ऊपर वाला करवा रहा हूँ, ऊपर वाला ही नीचे रिपीट हो रहा है, ठीक है जी। तो इसको भी हम लर्न कर लेते हैं, इसके लिए भी मैंने बना रखा है। तो इसका प्रोग्राम आपको याद करें तो आपको प्रोग्राम के लिए ये है, थोड़ा सा मैं आपको जूम कर देता हूँ सो दैट आपको अच्छे से दिख जाए अब, ठीक है। चलो जी, तो प्रोग्राम क्या था अब मेरे साथ बोलना, कॉम्बिनेशन ऑफ OPPR, कॉम्बिनेशन ऑफ OPPR, जोर से बोलो OPPR, जोर से बोलो OPPR, जोर से बोलो OPPR, कॉम्बिनेशन ऑफ OPPR। सर OPPR क्या है? ये OPPR है ऑब्जेक्टिव पॉलिसी प्रोसीजर रूल्स, ऑब्जेक्टिव पॉलिसी प्रोसीजर रूल्स। बट मैं यहाँ पर पूरा नहीं लिखूंगा, सिर्फ यहाँ लिखेंगे, इतना ही लिखेंगे हम OPPR, ठीक है। वो आप बुक से पढ़ सकते हैं। बोलो जोर से बोलो OPPR, जोर से बोलो OPPR, कॉम्बिनेशन ऑफ OPPR। प्रोग्राम क्या होते हैं? OPPR, ऑब्जेक्टिव पॉलिसी प्रोसीजर रूल्स। ये चारों ही हम अभी पीछे बात करेंगे अभी इसके बारे में, ऑब्जेक्टिव पॉलिसी प्रोसीजर एंड रूल्स के बारे में अभी ये हमारा आएगा आगे चल के। अभी हम इतनी ही बात समझ लो, कॉम्बिनेशन ऑफ OPPR, ठीक है जी। सर समझ आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ OPPR। तो ये जो OPPR है ना, ये जो OPPR है हम बात करें जिसकी, तो ये सारे मिला के क्या बनता है? प्रोग्राम। सबको मिला ऐड कर दिया जाए तो क्या बन जाता है? प्रोग्राम, सिंपल है। तो एक और लाइन आपकी ऐड कर लो कि इन सबको आप कॉम्बिनेशन ऑफ OPPR, प्रोग्राम को तो बोलते ही कॉम्बिनेशन ऑफ OPPR है, तो इसलिए तो इसको सबको मिला दिया तो क्या बनता है? प्रोग्राम, ठीक है जी। आगे सिस्टमैटिक वर्किंग, ये सिस्टमैटिक वर्किंग क्या? सिस्टमैटिक वर्किंग सर, प्रोग्राम बनाए इसलिए जाते हैं ताकि सिस्टमैटिक वर्किंग हो सके ऑर्गेनाइजेशन में। कहाँ पर सिस्टमैटिक वर्किंग हो सके? ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमैटिक वर्किंग हो सके। बोलो कैसे वर्किंग होनी चाहिए? सिस्टमैटिक वर्किंग होनी चाहिए। कहाँ पर? ऑर्गेनाइजेशन में। कैसी वर्किंग होनी चाहिए? वर्किंग कैसी होनी चाहिए? कैसी? सिस्टमैटिक होनी चाहिए। और कहाँ पर? कहाँ पर? ऑर्गेनाइजेशन में। कहाँ पर? ऑर्गेनाइजेशन में। बोलो कैसी होनी चाहिए? वर्किंग सिस्टमैटिक होनी चाहिए। वर्किंग आपका कीवर्ड है, वर्किंग आप याद कर लो, वर्किंग कीवर्ड है। वर्किंग कैसी होनी चाहिए? सिस्टमैटिक। कहाँ पर होनी चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन में। वर्किंग कैसी होनी चाहिए? सिस्टमैटिक। कहाँ होनी चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, इट क्रिएट रिलेशन बिटवीन OPP, बोलो OPP, क्रिएट रिलेशन बिटवीन OPP, OPPR वाला ये OPP है, अलग नहीं है कुछ। क्रिएट रिलेशन बिटवीन OPP, तो इसमें आपका जो कीवर्ड कह सकते हो वो है रिलेशन। कैसे बनाते हैं रिलेशन? ये OPP के बीच में रिलेशन बनाता है OPP, ऑब्जेक्टिव। बोलो आगे याद है आपको, ऑब्जेक्टिव पॉलिसी प्रोसीजर, ऑब्जेक्टिव पॉलिसी प्रोसीजर। क्रिएट रिलेशन बिटवीन OPP, पहला क्या था? कॉम्बिनेशन, 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 कॉम्बिनेशन ऑफ OPPR। अगला क्या है? सिस्टमैटिक वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। कैसी होनी चाहिए वर्किंग? सिस्टमैटिक होनी चाहिए। कहाँ होनी चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन में। रिलेशन किसके बीच में बनाता है? OPP के बीच में। अच्छा, प्रोग्राम कितने तरीके के होते हैं? प्रोग्राम दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सपोर्टिव। बोलो प्राइमरी और सपोर्टिव, प्राइमरी और सपोर्टिव। प्राइमरी कौन बनाता है? टॉप लेवल। प्राइमरी कौन बनाता है? टॉप लेवल। और सपोर्टिव कौन बनाता है? बोलो सपोर्टिव कौन बनाएगा? बोलो ना, बोलो। मिडिल लेवल वाले बना सकते हैं ना, सपोर्टिव प्लान बना सकते हो। इसका एग्जांपल है कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल। कंस्ट्रक्शन, जैसे शॉपिंग मॉल का कंस्ट्रक्शन करना, उसके लिए आपको प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ती है। कुछ भी नहीं, बस दिमाग की बत्ती बंद, कंस्ट्रक्शन ऑफ शॉपिंग मॉल ही है इसका आंसर, बस बात खत्म, ठीक है जी। हो गया याद, आगे बढ़े क्या? बोलो ना, आगे बढ़े। चलो जी, आगे बढ़ रहा हूँ मैं, आपको आगे बढ़ा रहा हूँ। अब नेक्स्ट हम आ रहे हैं स्टैंडिंग प्लान्स पे, ठीक है। हमारे दो तरीके के प्लान्स हो गए हैं, जो कि थे सिंगल से, सिंगल यूज से रिलेटेड। तो हम आगे बात कर रहे हैं पॉलिसीज़ की। तो
तो सिंपल सेम प्रोसीजर है, पहले हम फटाफट इसको रीड कर लेते हैं यहाँ से, उसके बाद याद भी कर लेंगे। पॉलिसी कैन बी डिफाइंड एज ऑर्गेनाइजेशन जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और सिचुएशन। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द ऑर्गेनाइजेशन ओन वे ऑफ हैंडलिंग द प्रॉब्लम। पॉलिसीज आर मेड एट एवरी लेवल बिकॉज मैनेजर्स एट एवरी लेवल नीड प्री डिटरमाइन द वे ऑफ हैंडलिंग सिचुएशन एंड पॉलिसी एक्ट एज अ गाइड टू टेक डिसीजंस इन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। पॉलिसी फॉर्मेशन ऑलवेज एनकरेजेस इनिशिएटिव ऑफ एम्प्लॉइज बिकॉज एम्प्लॉइज हैव टू डील विद द सिचुएशन एंड द वे ऑफ हैंडलिंग द सिचुएशन इज डिसाइडेड इन कंसल्टेशन विद एम्प्लॉइज, देन दे विल बी एबल टू हैंडल द सिचुएशन इन मच बेटर वे। फॉर एग्जाम्पल, अ स्कूल मे हैव अ पॉलिसी ऑफ इशूइंग एडमिशन फॉर फॉर्म फॉर ओनली टू स्टूडेंट्स हु सिक्योर्ड मोर देन 60 मार्क्स। ठीक है जी, पढ़ के हमारा हो गया। अब इसको हम याद भी कर लेते हैं पॉलिसी के बारे में। जी राजी, दिख रहा है आपको, पूरा आ रहा है ना? ठीक है, पॉलिसी। तो पॉलिसी के बारे में आप एक ही वर्ड कह सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन जनरल रिस्पॉन्स टू पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ऑर्गेनाइजेशन जनरल रिस्पॉन्स टू पर्टिकुलर प्रॉब्लम मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो रही है ना फ्यूचर में, उसके लिए हमने आज ही एक चीज बना ली है पॉलिसी, हमने उसकी पॉलिसी बना ली है। जैसे कि नो स्मोकिंग, ये पॉलिसी है। नो क्रेडिट सेल, ये पॉलिसी है हमारी। नो स्मोकिंग का बोर्ड देखते हो ना, पॉलिसी है। जनरल रिस्पॉन्स है, कोई भी पिएगा ना, स्मोक करेगा, उसको हम पीने नहीं देंगे, उसके अगेंस्ट हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। ठीक है जी, तो हमने ऑर्गेनाइजेशन में क्या पॉलिसी हो सकती है कि नो क्रेडिट सेल पॉलिसी होती है एक ऑर्गेनाइजेशन में, कि भाई उधार नहीं देना किसी को भी। तो जैसे कोई उधार मारने आ गया तो हम क्या बोलेंगे, उसको मना कर देंगे। तो हम इसे कहते हैं जनरल, जो जनरली हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जनरल मतलब जो जनरली यूज़ किए जाते हैं, कोई भी ऐसी कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जैसे कि उधार मांगना, तो कोई उधार मांगने आएगा उसका हमारा जनरल रिस्पॉन्स क्या आएगा कि नो क्रेडिट, नो क्रेडिट, नो क्रेडिट, सॉरी। तो ऑर्गेनाइजेशन जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या था, उधार। तो कोई भी उधार मांगने आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको मना कर देंगे। ऑर्गेनाइजेशन जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम क्या थी, उधार, और जनरल रिस्पॉन्स क्या था उसका, नो क्रेडिट। और ये नेक्स्ट पॉइंट में हमने आपने क्या पढ़ रहे हैं आप, मेड एट एवरी लेवल। अच्छा सर, सॉरी, मेड एट एवरी लेवल। कौन कौन से लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल, लोअर लेवल। तो ये जो पॉलिसी है हर एक लेवल के लिए बनाई जाती है, हर एक लेवल पे इसकी जरूरत पड़ती है। तो एक जनरल रिस्पॉन्स है टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, बट हर एक लेवल पे बनाई जाती है। और जनरल रिस्पॉन्स है टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, बट बनाई हर एक लेवल पर जाती है। ठीक है जी, पहले से ही इसको हमने प्री डिटरमाइन करना होता है। बोलो क्या करना होता है, प्री डिटरमाइन, प्री डिटरमाइन करना होता है। कोई भी सिचुएशन फ्यूचर में आने वाली है तो उसको हम प्री डिटरमाइन कर लेते हैं आज ही, हम देख पहले से ही प्री डिटरमाइन, मतलब हम फ्यूचर देख पा रहे हैं आज ही कि भाई फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो प्री डिटरमाइन करना है ना। नेक्स्ट है इट एक्ट्स एज अ गाइड। नेक्स्ट जो आपको कीवर्ड में दे रहा हूँ वो है एक्ट्स एज अ गाइड, एक्ट्स एज अ गाइड। कोई भी फ्यूचर वाली प्रॉब्लम आने वाली है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आने वाली है, तो उसके लिए गाइड की तरह ही एक्ट करता है, एक्ट एज अ गाइड। गाइड कौन होता है, जो हमें रास्ता दिखाता है। तो ये हमें रास्ता दिखाता है उस टाइम जब हमारी सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आएगी ना, तब ये पॉलिसी हम पढ़ेंगे। जैसे जैसे कोई उधार मांगने आया, यार हमें तो उधार देना नहीं देना पता नहीं, तो हम पॉलिसी पढ़ेंगे अपनी कंपनी की। हमारी पॉलिसी क्या है, नो उधार, नो उधार, नो क्रेडिट, तो क्रेडिट हम इनको नहीं देंगे। तो इट एक्ट्स एज अ गाइड, हमें रास्ता दिखाया इसने कि हमें इस सिचुएशन क्या थी, उधार मांगने आ गया था बंदा, तो हमने उसको, हमारे पास रास्ता किसने दिखाया हमें रास्ता, पॉलिसी ने। ठीक है जी, तो पहला पॉइंट क्या था, जनरल। पहला पॉइंट आपको कीवर्ड दिया मैंने आपको जनरल। जनरल क्या, अब पूरी लाइन कनेक्ट कर सकते हो कि आप इससे, ऑर्गेनाइजेशन जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या थी, उधार, और जनरल क्या था हमारा, जनरल रिस्पॉन्स क्या था, क्रेडिट रिस्पॉन्स। ठीक है जी, रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम मतलब हाउ ऑर्गेनाइजेशन विल रिस्पॉन्ड टू दैट प्रॉब्लम, हाउ ऑर्गेनाइजेशन विल रिस्पॉन्ड टू दैट प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्या था, मेड एट एवरी लेवल, मेड एट एवरी लेवल। और तीसरा पॉइंट है आपका एक्चुअल में ये प्री डिटरमाइन, आप पैराग्राफ में लिख सकते हो, आप इसको पैरा पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, आप पेपर में जैसे जाओ वैसे लिख सकते हो, मेड एट एवरी लेवल। और तीसरा पॉइंट जो था वो था प्री डिटरमाइन, प्री डिटरमाइन कर लेता है, क्या प्री डिटरमाइन करता है, वे ऑफ हैंडलिंग सिचुएशन, वे ऑफ हैंडलिंग सिचुएशन प्री डिटरमाइन कर लेता है कि किस तरीके से हम हैंडल करेंगे फ्यूचर की सिचुएशन को। नेक्स्ट मैंने बताया आपको एक्ट एज अ गाइड, किस चीज़ के लिए गाइड, एक्ट एज अ गाइड रास्ता दिखाता है ना जब कोई सिचुएशन आती है। देखो यहाँ भी सिचुएशन आ रहा है, यहाँ भी सिचुएशन आ रहा है, ये देखो। तीसरा और चौथा पॉइंट सेम है, इसको आप तीसरा पॉइंट समझेंगे। ठीक है जी, तो तीसरा पॉइंट क्या था, प्री डिटरमाइन, क्या प्री डिटरमाइन, वे ऑफ हैंडलिंग सिचुएशन। प्री डिटरमाइन क्या करता है, वे ऑफ हैंडलिंग सिचुएशन। इट एक्ट एज अ, कैसा एक्ट करता है, एज अ गाइड। जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आने वाली होती है तो इट एक्ट एज अ गाइड।
नेक्स्ट क्या है, इट इनिशिएटिव ऑफ एम्प्लॉय, इट एनकरेज. अरे क्या होता है ना कि हम ना एम्प्लॉयज को देखो प्रॉब्लम्स किसको झेलनी पड़ती है एम्प्लॉयज को ना, तो हम एम्प्लॉयज से कंसल्टेशन लेते हैं, बताओ ना इसकी प्रॉब्लम ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है फ्यूचर में तो हम क्या करना चाहिए हमें. तो एम्प्लॉयज हमें कंसल्टेशन, एम्प्लॉयज जब हम ये डिसाइड कर पॉलिसी बना रहे होते हैं ना तो एम्प्लॉयज को भी बुला लेते हैं, तो उनकी कंसल्टेशन के साथ हम जब हम बनाते हैं तो इट एनकरेजेस, इट मोटिवेट्स देम. तो जब भी हम एम्प्लॉयज़ का हेल्प करते हैं, एम्प्लॉय हमारी हेल्प करते हैं तो इट एनकरेजेस देम. तो इनिशिएटिव ऑफ एम्प्लॉयज़, दो वो भी इनिशिएटिव लेते हैं कि हम बताएंगे आपको कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है. तो आप क्या याद कर सकते हो इसमें कि इट इनिशिएटिव, इट एनकरेजेस, इनिशिएटिव जब भी हम एम्प्लॉयज़ की हेल्प करते हैं इनिशिएटिव ऑफ एम्प्लॉयज़, तो इट एनकरेजेस इनिशिएटिव ऑफ एम्प्लॉयज़. इनिशिएटिव भाई वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं ना, इनिशिएटिव मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, तो इट इनकरेज करता है. अभी तक लोग ये एम्प्लॉयज ना हिस्सा नहीं ले रहे थे, तो जैसे ही हमने उनसे कंसल्टेशन मांगी, ऐसे आप इसको याद करना, हमने जैसे ही कंसल्टेशन मांगी इट एनकरेजेस द इनिशिएटिव ऑफ एम्प्लॉयज. जैसे ही हमने उनसे कंसल्टेशन मांगी इट एनकरेजेस द इनिशिएटिव ऑफ एम्प्लॉयज. और इसका एग्जांपल में आप क्या कर सकते हो, नो क्रेडिट सेल पॉलिसी. बोलो चारों पॉइंट एक बार हम दोबारा से आके बंद सब बंद. क्या था पहला पॉइंट बोलो जी? सर पहला पॉइंट था जनरल रिस्पॉन्स. हाँ बिल्कुल ठीक, ऑर्गेनाइजेशन जनरल रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. दूसरा क्या था बोलो जी? दूसरा पॉइंट आपको याद आता है क्या? मेड एट एवरी लेवल, मेड एट एवरी लेवल. तीसरा प्री डिटरमाइंड. क्या प्री डिटरमाइंड? वे ऑफ हैंडलिंग सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन वे ऑफ हैंडलिंग सिचुएशन. चौथा पॉइंट क्या था? गाइड, रास्ता दिखाता है. इट एक्ट्स एज अ गाइड. टू किस चीज़ के लिए गाइड? कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आने वाली होती है उस चीज़ के लिए गाइड दिखाता है. और इससे क्या होता है सर, जब भी हम एम्प्लॉयज से उनकी कंसल्टेशन लेते हैं ना तो इट एनकरेजेस द इनिशिएटिव ऑफ एम्प्लॉयज. और इसमें एग्जांपल क्या था बोलो जी? एग्जांपल याद है आपको इसका? नो क्रेडिट सेल पॉलिसी. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे. यार अब एक काम करते हैं, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका तो समझ आ ही गया होगा, तो रिमेनिंग टॉपिक जो है ना हम नोट्स में से कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली ना हमें ये नोट्स में इस नोट्स वाला ही याद रहने वाला है और टॉपिक्स काफ़ी आसान है. एक काम और भी कर सकते हैं हम कि मैं आपको बुक के जो पेजेस हैं मैं आपको नीचे उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से इसको जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं. तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना जा रहे हैं, प्रोसीजर. प्रोसीजर में आप एक वर्ड याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? स्टेप्स. स्टेप्स आपने कभी ऐसा फॉलो करा है स्कूल में, स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री ऐसा कभी आंसर लिखते थे आप स्टेप वन स्टेप टू स्टेप थ्री के? हाँ बस ये वही स्टेप्स हैं. तो स्टेप्स 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 एस्टेब्लिश्ड इन एडवांस टू हैंडल फ्यूचर कंडीशन. स्टेप्स एस्टेब्लिश्ड इन एडवांस, एडवांस में बनाए गए ताकि फ्यूचर में हम जो भी कंडीशन आए उसको डील कर सके. तो ऐसे स्टेप्स जो कि एडवांस में बनाए गए जो फ्यूचर की कंडीशंस को डील करने के लिए बनाए गए हैं. एस्टेब्लिश मतलब बनाए गए, बनाए गए एडवांस में. तो स्टेप्स एस्टेब्लिश्ड इन एडवांस टू हैंडल फ्यूचर कंडीशंस, हैंडल करने के लिए फ्यूचर कंडीशंस. तो सबसे एक ही चीज आपको याद आनी चाहिए, स्टेप्स. स्टेप्स एस्टेब्लिश्ड इन एडवांस, स्टेप्स एस्टेब्लिश्ड इन एडवांस टू हैंडल फ्यूचर कंडीशंस. नेक्स्ट नेक्स्ट भी आई है देखो. स्टेप्स सीक्वेंस कैसा होना चाहिए स्टेप्स का? प्री डिटरमाइंड होना चाहिए. सीक्वेंस कैसा होना चाहिए? प्री डिटरमाइंड. सीक्वेंस कैसा होना चाहिए? प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस होना चाहिए. मतलब पहले ही कैसा होना चाहिए, देखो लिखा भी है मैंने यहाँ पर, कैसा होना चाहिए? प्री डिटरमाइंड होना चाहिए. अच्छा किस लिए? सो दैट एवरीवन फॉलो सेम स्टेप. किस लिए? सो दैट एवरीवन फॉलो सेम स्टेप. तो स्टेप्स के बारे में हम सेकंड, जो प्रोसीजर के बारे में हम सेकंड बात कर रहे हैं वो है कि सीक्वेंस कैसा होना चाहिए. सीक्वेंस कैसा होना चाहिए? प्री डिटरमाइंड. प्री डिटरमाइंड ऐसे हमने बात करी ना, पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे, तो प्री डिटरमाइंड होना चाहिए. और किस लिए होना चाहिए? सो दैट एवरीवन फॉलो सेम स्टेप. प्री डिटरमाइंड पहले से क्यों हम जांच के रखें, पहले से क्यों बनाएं हम स्टेप्स? सो दैट एवरीवन फॉलो द सेम स्टेप. नेक्स्ट जो आपका वो है मैनर इन विच ए एक्टिविटी इज टू बी इनकम्प्लीट. इसको आप बोलते हो मैनर भी कह सकते हो आप, कि तरीका 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 इन विच एक्टिविटी इज टू बी एनकम्प्लीस्ट. एक्टिविटी कह सकते हो, टास्क कह सकते हो, टास्क इज टू बी एनकम्प्लीस्ट. तो एक ही चीज आपने आपको इसमें याद रखनी है, स्टेप. स्टेप्स एस्टेब्लिश इन एडवांस टू हैंडल फ्यूचर कंडीशंस. और सीक्वेंस कैसा होना चाहिए? प्री डिटरमाइन होना चाहिए. किस लिए? सो दैट एवरी वन फॉलो सेम स्टेप. और मैनर कहना चाहिए, मैनर मैनर मतलब तरीका. तरीका कैसा होना चाहिए? सॉरी मैनर तरीका, मैनर को बोलते हैं हम तरीका. मैनर इन विच एक्टिविटी इज टू बी एनकम्प्लीस्ट. मैनर इन विच एक्टिविटी इज टू बी एनकम्प्लीस्ट याद हो जाएगा आपको, इससे भूलोगे नहीं आप. और इसमें एग्जाम्पल क्या लिख सकते हो आप? एग्जाम्पल लिख सकते हो प्रोसीजर टू हैंडल द ऑर्डर बाय मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट या फिर सेल डिपार्टमेंट, है ना, कि भाई कोई ऑर्डर आता है तो वो कैसे उसके साथ डील करते हैं. आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं खुद से, वीडियो को पॉज करके आप इसको सोच सकते हैं कि हाँ भाई क्या आंसर था. चलो जी नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं. नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है मेथड.
मेथड के बारे में भी हमने बना रखा है, काफ़ी इजीली आप इसको यहाँ से याद करा जा सकता है मेथड को। तो आई होप आपको पूरी स्क्रीन दिख रही होगी जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, पूरी आ रही है। हम आगे बढ़ते हैं। तो जब भी मैं मेथड की बात करता हूँ ना, आपको एक चीज़ जानती है, जॉब। अभी तक हम में से कोई जॉब पे जाते नहीं है, बट अगर आपके किसी के पेरेंट्स जॉब पे जाते हो तो आपको याद आना चाहिए वाली जॉब, ठीक है। मेथड्स, तो मेथड के बारे में हम क्या कहेंगे, सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन जॉब्स, जो हम रोज रोज काम करते हैं, ठीक है ना। बोलो क्या बोलोगे, सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन जॉब, मेरे साथ बोलो, सिस्टमैटिक वे ऑफ रूटिंग ऑफ डूइंग रूटीन जॉब, सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन जॉब्स, क्या जो रोज रोज काम करते हैं। आपके फादर या मदर जो भी काम पे जॉब में जाते हैं तो वो रोज जाते हैं ना, रोज रूटीन, मतलब आपको याद आना चाहिए। ऐसे मेरा याद करने का तरीका ऐसा ही है, आप भी याद कर सकते हैं इसको ऐसे, सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन जॉब्स। मैं ट्यूशन में अपने ऐसे ही याद करवाता हूँ, आई होप आपको भी इसका बेनिफिट मिल रहा होगा। और नेक्स्ट जो है, डिसाइडेड इन एडवांस, सिस्टमैटिक वे ऑफ रूटीन जॉब्स पहला था। दूसरा है, इट शुड बी डिसाइडेड इन एडवांस। बोलो भाई, इसको आप क्या करोगे, पहले से ही एडवांस में डिसाइड करके रखोगे। बोलो एक बार फिर बोल सकते हो, डिसाइडेड इन एडवांस। आगे नहीं बढ़ेंगे जब तक पुराना याद नहीं होगा, डिसाइडेड इन एडवांस। बोलो क्या, डिसाइडेड इन एडवांस। पहला क्या था, सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन जॉब्स। दूसरा क्या है, इट शुड बी डिसाइडेड इन एडवांस। कौन डिसाइड करेगा, मैनेजर्स। इसको क्या, कौन डिसाइड करेगा, मेथड्स को मैनेजर्स डिसाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, कॉमन वे ऑफ डूइंग रूटीन जॉब्स, कॉमन वे ऑफ डूइंग रूटीन जॉब्स। मैनेजर जो है वो डिसाइड करेंगे एडवांस में कॉमन वे ऑफ डूइंग रूटीन जॉब्स। आप लिख लो यहाँ पर, मैनेजर जो है वो डिसाइड करेंगे एडवांस में कॉमन वे ऑफ डूइंग रूटीन जॉब्स। मैनेजर जो है डिसाइड करेंगे एडवांस में कॉमन वे ऑफ डूइंग रूटीन जॉब्स। अच्छा, अगर डिसाइड नहीं करेंगे तो कन्फ्यूजन होगा, कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, कन्फ्यूजन होगा और कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा हम क्या बोलना चाहते हैं। तो सबसे पहला था सिस्टमैटिक वे ऑफ डूइंग रूटीन जॉब्स, और मैनेजर जो डिसाइड कर लें एडवांस में, क्या डिसाइड कर लें, कॉमन वे ऑफ डूइंग रूटीन जॉब्स। अगर डिसाइड नहीं करते तो क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा और क्या होगा, कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे। और आपको तीन चीज़ें और इसमें मैं आपको बोलता हूँ, अगर ये डिसाइड कर लेते हैं तो क्या फ़ायदा है, तो नो डाउट एक्ट एज अ गाइड, सेव टाइम एंड मनी। नो डाउट एक्ट एज अ गाइड, सेव टाइम एंड मनी। दोबारा बोलो, नो डाउट एक्ट एज अ गाइड, सेव टाइम एंड मनी। और एक एग्जांपल है, एक ना लीफो फीफो मेथड होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लास्ट इन फर्स्ट आउट। आपको छोड़ो ना क्या है क्या नहीं, आप याद कर लो, लीफो फीफो मेथड यूज इन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक या इन्वेंट्री, लीफो फीफो मेथड यूज इन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन्वेंट्री, लीफो फीफो, ठीक है जी। आगे बढ़ता हूँ मैं रूल्स पे, रूल्स के लिए भी मैंने बना रखा है, काफ़ी छोटा सा ही है, आई होप आपको ये भी पसंद आएगा। तो इसमें एक ही चीज़ आपको समझ आ गया होगा, क्या है, कीवर्ड देख के अब तो आपको पता, तरीका भी पता लग गया होगा। एक्शन, बोलो क्या, एक्शन, बोलो क्या, एक्शन, 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 है ना। तो रूल से क्या जाना चाहिए आपको, एक्शन, क्या एक्शन लेना है ना। एक्शन मतलब रूल्स बना रखे हैं ना, कोई ऐसा रूल आपको याद आ रहा है जिसके जो फॉलो ना करें तो, जैसे पब्लिक में आप स्मोकिंग करते हो तो उसके अगेंस्ट रूल है ना कि आपको पुलिस वाले पकड़ लेंगे, हेलमेट नहीं पहन के जाते हो, रूल है ना कि आपको पुलिस वाले पकड़ लेंगे, है ना। तो रूल्स क्या होते हैं, एक्शन, रूल्स जो है वो स्पेल आउट करते हैं कोई एक्शन या नॉन एक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। हम कंपनी की बात करें तो एम्प्लॉयज की बात होगी, स्पेल्स आउट एक्शन या फिर नॉन एक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, स्पेल्स आउट एक्शन या फिर नॉन एक्शन ऑफ एम्प्लॉयज, क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है जी। नेक्स्ट है, नो डिस्क्रिशन अलाउड। बोलो क्या, नो डिस्क्रिशन अलाउड। डिस्क्रिशन मतलब फॉलो करना ही करना है, इसमें कोई वो नहीं है करें ना करें पता नहीं, नो डिस्क्रिशन अलाउड। इट मस्ट बी फॉलोड, इट मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली। अच्छा, फॉलो नहीं हुआ तो स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉय, स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट, फिर दोबारा एक्शन आ गया, स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉय। बोलो इजी है, पहला क्या है, स्पेल्स आउट एक्शन और नॉन एक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। नो डिस्क्रिशन अलाउड मतलब फॉलो करना ही है, मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, इफ नॉट फॉलोड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉय, मस्ट बी टेकन अगेंस्ट एम्प्लॉयज। अच्छा, अगर फॉलो करते हैं, मस्ट बी फॉलोड है ना, अगर फॉलो करते हैं तो, फॉलो करते हैं तो इट क्रिएट्स एनवायरमेंट ऑफ डिसिप्लिन, इट क्रिएट्स एनवायरमेंट ऑफ डिसिप्लिन, इट क्रिएट्स एनवायरमेंट ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन, यस, ठीक है जी। इट क्रिएट्स एनवायरमेंट ऑफ डिसिप्लिन, और इसका जैसे मैंने आपको एग्जांपल में दिया, नो स्मोकिंग रूल, आई होप आपको ये वाला भी याद हो गया होगा। बोलो फटाफट रिपीट करेंगे इसको भी, स्पेल आउट एक्शन और नॉन एक्शन ऑफ एम्प्लॉय, नो डिस्क्रिशन अलाउड, मस्ट बी फॉलोड स्ट्रिक्टली, इफ नॉट फॉलोड स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट एम्प्लॉय, क्रिएट्स एनवायरमेंट ऑफ डिसिप्लिन, अगर फॉलो करते हैं तो एनवायरमेंट ऑफ डिसिप्लिन, और नो स्मोकिंग रूल। ये मैंने आपको करवाने की कोशिश करी थी, आपको सब नहीं करवाया मैंने, इसमें दो बचे हुए हैं अभी भी आपके, दो जो हैं आपके वो हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव ना ही वो सिंगल यूज है ना ही स्टैंडिंग प्लान है, है ना। और नेक्स्ट जो है आपका वो है स्ट्रेटेजी, आपको दिख रहा होगा स्ट्रेटेजी,
स्ट्रैटेजी भी मैंने आपको नहीं कराया है, तो आपको ये दोनों मैं देता हूँ होमवर्क में, आपको ये होमवर्क में ये दोनों करने हैं। आपको होमवर्क में करके आप मुझे, अगर आपने कोई ऐसा तरीका जैसे मैंने वाला तरीका निकाला, आप कोई ऐसा तरीका आप भी निकाल पाएँ तो आप मुझे शेयर करना, कमेंट में लिखना, और आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप मुझे कमेंट में आप लिखना। और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तो मुझे ये समझ आएगा कि हाँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है। एंड और कोई आपको डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और मैंने इससे पहले जो वीडियो डाली थी ऑर्गेनाइजिंग की डाली थी, अभी भी आपने वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके लिखें, वहाँ पर फुल ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर इन 54 मिनट्स आपको वाली वीडियो मिल जाएगी। मैं इस वीडियो के नीचे लिंक पर भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एक और मैंने वीडियो डाली थी जिसका नाम था प्लानिंग पार्ट वन, इसका ये पार्ट टू में आएगा आपका। पार्ट वन में नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उसका भी। और आपको और एक चीज़ और मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि भाई अगर आप अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे वाली वीडियोस लेके आने वाला हूँ। और इस वीडियो को मैं टारगेट लाइक रखता हूँ 100 लाइक्स का। अगर आप 100 लाइक्स मुझे जल्दी दे देंगे फटाफट तो मैं जल्दी से जल्दी दूसरी वीडियो लेके आने वाला हूँ। और लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपना ख्याल रखें और मेहनत करते रहें, मेहनत करेंगे तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। ओके बाय।